हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज वंस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप भी देख सकते हो, जो गुरु काशीदास विश्वविद्यालय की जो हॉकी की टीम है जो अभी किटअप होकर ग्राउंड पर आ गई है, और जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो देख सकते हो पानी लगाया जा रहा है इस पर, और ये दोनों ही टीमें खड़ी हैं। पहला मैच गुरु काशीदास विश्वविद्यालय वर्सेस मणिपुर विश्वविद्यालय के बीच में आप ये देख सकते हो। प्ले 11 अंदर ग्राउंड में पहुँच चुकी है और यहाँ हाथ वगैरह फ्रेंडशिप करके दोनों ही टीमों का मैच स्टार्ट होने वाला है, और दोनों ही टीमें प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 ग्राउंड पर पहुंच चुकी है और ये मैच स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पीसी मिली है मणिपुर यूनिवर्सिटी को, देखते हैं गोल कन्वर्ट कर पाए, लेकिन अच्छा सेव किया यहाँ पर गोलकीपर ने, अनुराग गोलकीपर है जो काफ़ी अच्छा गोलकीपर है। और ये सेकेंड पीसी है, देखते हैं गोल में कन्वर्ट कर पाती है नहीं मणिपुर यूनिवर्सिटी। ये दोबारा से पीसी मिली, देखते हैं गोल में कन्वर्ट होगी या नहीं, और ये शानदार गोल यहाँ मणिपुर द्वारा। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा खेली और काफ़ी तगड़ी टीम थी गुरु काशीदास विश्वविद्यालय मणिपुर यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा दोनों ही टीमों की हर जीत तो किसी न किसी के साथ पहुँचती है, और ये काफ़ी दोनों ही टीमों काफ़ी अच्छा खेली। और ये सेकेंड मैच पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी वर्सेस, काफ़ी अच्छा मुकाबला है ये भी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी वर्सेस KIIT कलिंगा यूनिवर्सिटी के मध्य ये काफ़ी शानदार मैच खेला जा रहा है। यहाँ KIIT कलिंगा यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी टीम है हॉकी की, और देखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी कलिंगा यूनिवर्सिटी से जीत जाएगी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है कलिंगा यूनिवर्सिटी और टर्फ पर खेलती है, रेगुलर टर्फ पर खेलती है, देखते हैं। और दोनों ही टीमों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ हो रहा है, और ये बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि 2023 में वर्ल्ड हॉकी का वर्ल्ड कप इसी ग्राउंड में हुआ था, और ये अभी देख सकते हो एशिया का सबसे बड़ा हॉकी ग्राउंड है, और ये जो कि राउरकेला जो उड़ीसा जो हॉकी का हब माना जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा हॉकी, और यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक वो भी इस हॉकी को बहुत सपोर्ट करते हैं, और इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी हॉकी के लिए किट से लेकर जो भी सुविधाएं होती हैं वो पूरे प्रोवाइड कराते हैं। और ये मैच काफ़ी अच्छा हुआ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। जय हिंद।